सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ पे अगस्त मुनि में, जो कि आपको रुद्रप्रयाग से 6-7 किलोमीटर आगे है। तो आप यहाँ के स्टे कर सकते हो, अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि जो ऋषि अगस्त थे, ये उनकी तपोस्थली है। और हमने सोचा कि हम तुंगनाथ जाने से पहले यहाँ पे नाइट में स्टे कर लें, तो हमें एक बढ़िया सा होटल मिल गया। आप देख सकते हैं होटल। तो ये हमारा बढ़िया सा कमरा है। ये हमने पहले इन्होंने बोला था 1500, बट हमने थोड़ा सा उसमें मैनेज करवा के फिर नेगोशिएशन हजार करी। रुपये में हमने ये रूम ले लिया। ये बढ़िया सा अपना रूम है, अपना डबल बेड का रूम है। आपको बढ़िया स्टे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ये इसका वॉशरूम हो गया, आपको वॉशरूम है। ये आपको बढ़िया गीजर वगैरह आपको सब लगा हुआ मिलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। आप यहाँ के एक अच्छा स्टे ऑप्शन इंजॉय कर सकते हो। एंड देन अगर आपको यहाँ से केदारनाथ के लिए आपको जाना है, या अगर आपको तुंगनाथ जी के लिए जाना है, तो फिर आपको एक अदर मतलब वे मिल जाता है कि आप यहाँ से फिर आप जा सकते हो इजीली। यहाँ से 50 किलोमीटर्स आपको पड़ेगा तुंगनाथ, और ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर्स आपको पड़ेगा केदारनाथ। तो यही आपको दिखाना था एक रूम। मैं इसका ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, टिल देन टाटा। तो अभी हम जाने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर, और तुंगनाथ मंदिर के लिए हमें 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ से अभी टोटल 50 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। और मठ है, उखी मठ में जो 6 महीने महादेव का पट बंद होता है केदारनाथ में, तो यही उखी मठ है। यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पे, तो 6 महीने के लिए महादेव यही उखी मठ में विराजते हैं। ये उखी मठ का रोड है, यही रहती है महादेव की पट, और ये रास्ता वापस तुंगनाथ के लिए जाता है। धन्यवाद। फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं जहां से हम तुंगनाथ जी की ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर हमें चलना है ट्रैकिंग के लिए। आप देख सकते हैं अभी स्नोफॉल भी हुई पूरी अच्छी खासी। और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, यहां से यही रोड औली चली जाती है और बद्रीनाथ जी के लिए भी चली जाती है। तो अभी यहाँ से हम यहाँ गेट, प्रमुख गेट है उनका, यहाँ से मुख्य गेट से हम अपना ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अभी अभी काफ़ी श्रद्धालु भी आए हुए हैं यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए, और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, -10 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख लीजिए, और यहाँ से हम अभी ट्रैकिंग करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, आपसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग तुंगनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं ट्रैकिंग करके अपनी, और पट बंद होने के कारण हमें अभी
थोड़ा बाहर से दर्शन करना पड़ा है, बट दर्शन हो चुके हैं भाई। गंगोत्री 1, 2 and 3 एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर, ये केदारनाथ के पीक्स हैं जो 6,840 मीटर्स। ओके, आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें, ये बद्रीनाथ वगैरह आ जाएंगी। इधर त्रिशूली भी दिखेगा आपको बीच में कहीं पे, आई थिंक वो बादलों से ढक चुका है अभी। त्रिशूली भी है वहाँ पे बीच में, उधर बंदरपूछ है एंड